भारत का आखिरी गांव जो बेहद खूबसूरत है, कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और आज हिंदुस्तान में है। कश्मीर का गांव जिसे भारत ने पाकिस्तान से छीन लिया था। दोस्तों, हम सब करीब 300 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। साल 1947 में हम सबको आज़ादी मिली, लेकिन इस आज़ादी ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। सरहदों का बंटवारा हुआ तो ये गांव पाकिस्तान में था, लेकिन साल 1971 की लड़ाई में भारत ने इससे पाकिस्तान से छीन लिया। देश में सरहदें कई बार अच्छी होती हैं तो कई बार खराब, इसलिए क्योंकि सरहदें किसी देश की पहचान होती हैं, और खराब इसलिए होती है क्योंकि ये सरहदें लोगों को आपस में बांट देती हैं। बंटवारे के दर्द को भारत से बेहतर कौन जान सकता है। यहाँ हुए बंटवारे ने अपने ही मुल्क के लोगों को बेगाना बना दिया। बंटवारे की इस लकीर के बाद कई जगह ऐसी भी रहीं जहां दोनों मुल्क अपना अपना दावा ठोकते रहे। इसी कड़ी में एक था जम्मू कश्मीर के बाल्टिस्तान इलाके का तुरतुक गांव। जब भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदों का बंटवारा हुआ तो उस समय ये गांव पाकिस्तान में था और सरहद होने के कारण यहां बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी थी। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे, लेकिन जब साल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की हार हुई तो ये गांव पाकिस्तान के हाथों से निकलकर भारत में शामिल हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच खींचतान का शिकार रहा तुरतुक गांव। तुरतुक बरसों तक बेरुखी का शिकार रहा। हालांकि एक दौर था जब ये गांव मशहूर सिल्क रोड से जुड़ा हुआ करता था, जहां से भारत, चीन, रोम और फारस तक व्यापार होता था। ये गाँव बौद्धों के गढ़ लद्दाख में बसा है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है। ऐसा कहा जाता है कि ये इंडो आर्यनों के वंशज हैं। मूल रूप से यहाँ के लोग बाल्टी भाषा में बात करते हैं, यानी बाल्टी भाषा बोलते हैं। ये इलाका कराकोरम पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ दूर दूर तक जहाँ आप देखिए पहाड़ी पहाड़ नज़र आते हैं। भारत को आज़ादी 70 साल पहले नसीब हुई थी, लेकिन तुरतुक करगिल युद्ध के बाद भारत का हिस्सा बन पाया। भारत में शामिल होने के बाद यहाँ कुछ सड़कें और स्कूल बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। एक दौर था जब तुरतुक के लोग कहीं नहीं जाते थे, ना ही यहाँ कोई आता था, लेकिन अब तुरतुक से विकास से अछूता क्यों रहा ये गांव। ये इलाका सरहद की उलझन में उलझा रहा, लिहाजा यहाँ तरक्की भी बेहद कम हुई है, या ये कहें कि ना के बराबर हुई है। यहाँ सड़कें भी अभी ठीक नहीं बनी हैं। अगर आप सड़कों की चौड़ाई देखें तो बेहद सकरी सड़कें बनी हुई हैं। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो सिर्फ आपकी गाड़ी निकल पाएगी। अगर बगल से कोई गाड़ी गुजरती है तो आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। गाड़ी के अंदर बैठकर आप भी हिचकोले ही खाते रहेंगे, लेकिन जब यहाँ की आप खूबसूरती देखेंगे तो ये मुश्किलें आप पल भर में भूल जाएंगे। देश के एक छोर पर बसे तुरतुक गांव के लोगों की जिंदगी बहुत ही साधारण है। लोग छोटा मोटा काम करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। बिजली भी यहाँ नाम मात्र के लिए आती है, मगर कुदरत ने इस गांव को अपनी नेमतों से मालामाल किया है। जंगल, पहाड़, नदियाँ और खूबसूरत नज़ारे यहाँ बहुत हैं, जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि गांव हो तो ऐसा। तुरतुक के पास ही सियोक नदी बहती है। सिल्क रोड के ज़माने में इसे डेथ रिवर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के लोग जौ की खेती करते हैं और तुरतुक गाँव में बामुश्किल 300 घर होंगे। जरा सोचिए कि कितना हसीन लगता होगा वो मंजर जब आप इन पहाड़ियों के ऊपर से गांव को देखते होंगे। सादगी से बने हुए घर, उनके पास जौ के खेत और खुबानी के पेड़, पास ही बहती हुई नदी, कुदरत खूबसूरती से लबरेज है तुरतुक गांव। सैलानियों की पसंद बन गया है तुरतुक गांव। तुरतुक गांव बेहद खूबसूरत है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तुरतुक सैलानियों की पहली पसंद बन चुका है। दूर दूर से लोग यहाँ सुकून के लिए कुछ पल गुजारने जाते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ बौद्ध मुस्लिम संस्कृति ने पहले ही कभी किसी सरहद को नहीं माना था। ये तो सियासी झगड़ों ने दीवार खींचती थी। बहरहाल आप तुरतुक भारत का हिस्सा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।